अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए एंड तक जरूर देखें, लाइक ज़रूर करें, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ, हाथों और पैरों के कलर जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर और समर की वजह से, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, डार्कनेस वगैरह हो जाती है, इन सबको ये आपकी स्किन, ये वाइटनिंग फेस पैक, वाइटनिंग जो हैंड एंड फिट का जो पैक बना रही हूँ, ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राई भी नहीं करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और साथ में ही हाथों और पैरों को आपके सॉफ्ट और नरम मुलायम भी बनाएगा। ये पैक विद इन 3 डेज़ आप लोगों को बहुत अच्छा सा रिजल्ट देगा। आप लोग इस पैक को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को ये पैक कैसा लगा। और विद इन 3 डेज़ आप लोगों को डेली यूज़ करना है, दिन में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा कर लें बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप 2 दफ़ा कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट्स है दही। दही आपको 2 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या क्या ऐड करना है। अच्छा जी, ये जो दही है इसको अच्छे से जो है पूरा पहले फेंट लेना है कि ये जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं ये ना हो। अच्छा, दही में जो है वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और बहुत ही अच्छे से आपकी जो डलनेस वगैरह होती है उसको ख़त्म भी कर देता है। अच्छा, जिनकी ड्राई स्किन है वो मलाई वाली के साथ यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिनकी ऑयली स्किन है वो विदाउट मलाई इसको यूज़ करें, ठीक है। अब पहले हम लोग इसको मिक्स कर देंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये हनी। हनी जो है, हनी में भी बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं और ये हमारी स्किन को नर्म भी करता है, सॉफ्ट भी करता है, ग्लो लेकर आएगा हनी। 1 टेबल स्पून हम लोग जो है इसमें हनी ले लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर जो है स्क्रब करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा स्क्रब कर देंगे और ये सारे डार्कनेस वगैरह जो हो जाती है इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे लेमन। लेमन आप एक छोटा ले लें और पूरा डाल दें, ठीक है। ज़्यादा अच्छा हो सॉफ्ट करके लेमन को डालें, जैसे मैंने ये सॉफ्ट करके डाला है ना तो ये पूरा अच्छी तरीके से, मतलब ये खुल चुका है ये लेमन, तो अच्छे से जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है फिर, ठीक है। इसका जो जूस होगा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से निकलेगा, ठीक है। इन सबको ऐड कर देते हैं। लेमन तो आप लोगों को पता होगा, लेमन बहुत ज़्यादा एक अच्छा एजेंट है और हमारी स्किन को ब्लीच करता है और डलनेस और डार्कनेस वगैरह सबको ख़त्म करता है। अच्छा, अब हम इस सब को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले ये देखें, इन सबको एक अच्छे से मिक्स कर देना है और ये ऐसा पेस्ट जो है, ये वाइटनिंग पैक जो है हमारा इस टाइप का बन जाएगा हमारे हैंड एंड फुट को। विद इन 3 डेज़ आप लोगों को ये बहुत अच्छा सा रिजल्ट देगा और आपकी स्किन आप लोगों को अलग से ग्लो नज़र आएगी, आप लोगों की डलनेस वगैरह ख़त्म होगी इससे। ये देखें, अब मैं इसको यूज़ करने का भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं इसको यूज़ करने का तरीका आप लोगों के साथ बताती हूँ, ठीक है। अब ये जो लेमन होगा ना, इससे ही स्क्रब करें आप लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया लेमन, अब हम अपने पूरे हैंड पे ये लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें, इसको हम लोग लगा लेंगे और इसको अच्छे से स्क्रब करेंगे। ये देखें, इसको पहले अच्छे से लगा लेंगे। अब मैं इस वाले हैंड पे भी अपने अप्लाई कर लेती हूँ। ये देखें, सही है। आप अपने हाथों और पैरों के लिहाज से ज़्यादा बना लेंगे, मैंने सिर्फ अभी हैंड के लिए बनाए हैं, मैंने अभी थोड़ा सा बना के आप लोगों को दिखाया है, आप लोग ज़्यादा इसको बना लें। और जब आप लोगों को यूज़ करना हो ना ये स्क्रब, जब ही बनाइएगा, मतलब आप लोग बना के मत रख लीजिएगा। और अब मैं अच्छे से इसको मसाज करें आप लोग अपनी स्किन पे, अब मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ वापस आती हूँ, रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देख लें रिज़ल्ट, आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है कि कितना अच्छा जो है मेरी स्किन कितनी ज़्यादा डल हो रही थी, इससे मेरी स्किन ज़्यादा कितनी ज़्यादा ग्लो भी कर रही है और कितनी ज़्यादा साफ। पहले रिज़ल्ट में आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा कि कितने ज़्यादा अच्छी हो रही है। अच्छा, थोड़ी इसके बाद ड्राई से अगर आप लोगों को लगे, जिनकी ड्राई स्किन है और विंटर की वजह से ऑलरेडी ड्राई होती है, तो आप लोग लोशन वगैरह कोई सा भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। 3 डेज़ आप लोगों को इसको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, ये वाला फेस पैक आप लोग अपने नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपकी स्किन को हार्मफुल करे या फिर आपकी स्किन को डैमेज करे, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी फेस पे भी आप लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और नेक वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं।
उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।